सर? ये देखिए जी, ये एक ग्राउंड है, स्टेडियम है, यहाँ पे इरीगेशन का पाइप जो है 3 इंच का फट गया है, उसको अभी हम कैसा रिपेयर करते हैं हम आपको दिखाते हैं, चलिए आइए। ये देखें, यहाँ पाइप फटा हुआ है, ये 3 इंच का UPVC पाइप है, यहाँ से यहाँ तक ये फटा हुआ है, लगभग 2-2.5 इंच तक ये फटा हुआ है पाइप प्रेशर की वजह से। अभी इसको हम रिपेयर करेंगे आसान, हम इसको बिना कट किए, बिना कोई जॉइंट किए हम इसको इसका हल निकालेंगे दूसरे तरीके से, आसान तरीके से और शॉर्टकट में और कम समय में। ये देखें, ये देखें, एक 2.5 इंच का एक स्टील का और अंदर इसके रबर है, ये एक जॉइंट, नया टाइप का जॉइंट है, ये जो आसान तरीका है पाइप जो फटा हुआ है उसका रेक्टिफिकेशन के लिए। चलिए हम आपको दिखाते हैं इसको कैसा लगाते हैं, आसान सा तरीका है, इसको खोल लें, नेट रिलीज़ कर लें, ऐसा फ्लेक्सिबल होता है ये, जितना चाहे उतना फ्लेक्सिबल कर लो, और इसको जहाँ वो फटा हुआ है वहाँ पे रख के बस इसको ऐसा लॉक करके यहाँ पे टाइट कर देना है स्पानर या एडजस्टेबल की मदद से। मैं स्पानर से टाइट करके दिखाएगा, ये एक बहुत अच्छा और आसान तरीका है और कम समय में पाइप का ब्रोकन रेक्टिफिकेशन इसमें हो जाता है। स्पानर की मदद से अभी हम इसको जो फ्लेक्सिबल जो जॉइंट है अब स्पानर से जितना चाहे हम इसको टाइट कर देंगे, बड़ा आसान तरीका है, आप भी इसको ट्राई करने का, ये अच्छा से टाइट करके फिर हम पंप चालू करके एक बार देख लेते हैं वापस इसमें लीक है तो नहीं। अभी ये अच्छी तरह से टाइट हो गया है, ओके, पंप चालू करके देख लेंगे। हाँ, अभी अच्छी तरह से इसको हमने टाइट कर दिया है, अभी बस पंप चालू करके देखना है, प्रेशर देने के बाद इसमें कोई लीक है तो नहीं। चलिए, ये इरिगेशन पंप रूम है, अभी इसको पंप चालू करके देखेगा। वाल क्लोज है, पहले वाल इसको ओपन करेगा, अभी पूरा ओपन है, अभी मोटर चालू करेगा, मोटर चालू हो गया। अभी देखिए, हमारा जॉइंट भी लग गया और हमारा पंप भी चालू हो गया, वाल भी ओपन कर दिया, हम अच्छी तरह से टाइट भी कर दिए हैं, सारा काम हो गया, और देखिए अभी कोई लीक नहीं है, प्रेशर देने के बाद कोई लीक नहीं है, अच्छे से टाइट कर दिए हैं। अभी इधर देखें, अभी ये ग्राउंड में इरीगेशन का पूरा लाइन चालू कर दिए हैं, अच्छा से स्प्रे हो रहा है पानी पूरे ग्राउंड में, और ये बहुत अच्छा तरीके से यहाँ से लेके पूरा ग्राउंड में पानी स्प्रे हो रहा है, ये देखें, और ये बड़ा आसान तरीका था जॉइंट करने का। अभी कहाँ, यहाँ पे हमारा काम खत्म होता है,
और आप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।